तो दोस्तों हाई क्वालिटी वाले टूल्स को अपना काम करते हुए देखना वाकई में सेटिस्फाइंग लगता है। और उस समय से जब इंसान के शुरुआती पूर्वजों ने पहली बार लगभग 26 लाख साल पहले औजार बनाए थे, भाई क्या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम हमारी मॉडर्न दुनिया द्वारा पेश किए गए कुछ बेहतरीन टूल्स की जाँच करने जा रहे हैं। तो पेड़ों को चीरने वाले विशाल नुकीले चिमटे से लेकर मक्खन की तरह चट्टान को काटने वाली हीरे की ड्रिल तक, और यहाँ तक कि लेजर के साथ कुछ हाईटेक गुलेल तक, अपनी हाई हैट्स उठा लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी अद्भुत मशीनों को टेस्ट करने वाले हैं जो कि वाकई में नेक्स्ट लेवल की हैं। डायमंड ड्रिल। अपनी बहुमूल्य रेपुटेशन के बावजूद हीरे धरती पर नेचुरल रूप से पाए जाने वाले सबसे सख्त मटेरियल हैं। इसलिए जाहिर है कि टूल बनाने वाले लोग इन्हें लगातार अपनी हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी के इस पावरफुल टुकड़े को डायमंड कोर ड्रिल कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर सख्त मटेरियल में गहरे सुराख करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चट्टान, कॉन्क्रीट और मोटी बर्फ की चादर। और ये काम वे एक ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके पूरा करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल डायमंड लगा होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन शादी की अंगूठियों पर पाए जाने वाले उनके ग्लैमरस चचेरे भाई बहनों के विपरीत इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उनमें या तो कोई कमी होती है या बदरंग होते हैं, इसलिए उनको मूल्यवान नहीं माना जाता, लेकिन वे फिर भी बहुत ही सख्त होते हैं। डायमंड कोर ड्रिल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डायमंड को बारीक पाउडर में पीसा जाता है, जिसे डायमंड ग्रिट के रूप में जाना जाता है। ये प्रोसेस आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि हीरे को खनोचना काफी मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें आसानी से दूसरे मटेरियल में काटा जा सकता है। वे खुद ब खुद कहीं टुकड़ों में टूट सकते हैं अगर उन पर अचानक बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, यहाँ तक कि स्टील के हथौड़े के प्रहार से भी। एक बार तोड़ने के बाद डायमंड ग्रिट को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे वैक्यूम ब्रेजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में इसे निकल जैसे मोल्टन फिलर मेटल के साथ एक बहुत ही ज्यादा गर्म वैक्यूम भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, और एक बार स्टील ड्रिल बिट के छोर पर जुड़ जाने के बाद डायमंड से बना हुआ ये उपकरण हाई फ्रीक्वेंसी मोटर में बांधने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हाई स्पीड पर घुमाकर इससे अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर पर काम किया जाता है। ये मक्खन की तरह चट्टानों में घुस जाता है, और भाई ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। लेकिन इन विशाल चट्टानों को ड्रिल करने का क्या फायदा है? खैर बता दूं कि ये जियोलॉजिस्ट को अंदर से अलग अलग नेचुरल और मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स के सैंपल्स को इकट्ठा करने और उनकी जांच करने में मदद करते हैं। ये सख्त दीवारों में भी खाली जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि इनमें से कुछ मशीनें वाकई में विशाल आकार तक पहुंच सकती हैं। लिचेनस्टीन बेस्ड पावर ड्रिल मैन्युफैक्चरर हिल्टी छोटे छोटे और हैंडहेल्ड वर्जन की एक रेंज पेश करती है, जिनमें मजबूत कंक्रीट को खोदने की खासियत है। ये शानदार टूल्स अक्सर ड्रिलिंग के दौरान बोर होल में पानी का छिड़काव भी करते हैं, जो उन्हें ना सिर्फ ठंडा और चिकनाई देता है बल्कि हानिकारक धूल से भी बचाता है। मैं खुद इनमें से किसी एक हैवी ड्यूटी मशीन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने घर या किसी दूसरी जगह एक गुप्त एस्केप स्लाइड खोद सकूं। लेकिन दुख की बात है कि एक हिल्टी डायमंड कोर ड्रिल की कीमत $2,000 से लेकर $9,000 के बीच में है, जिसमें जरूरत की सभी एक्सेसरीज शामिल होती हैं। तो यहाँ सबक ये है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट जिम्मेदारियां आती हैं, और जाहिर है कि एक ग्रेट कीमत भी। पोर्टेबल आइस पावर। ये अगली मशीन ऐसे किसी इंसान के लिए सूटेबल है जो सुपर पावर की थोड़ी सी भी इच्छा रखता हो, खासतौर पर एक कमाल की डिवाइस जिसे रोथेनबर्गर रोफ्रोस्ट टर्बो 28 के नाम से जाना जाता है। यह आपको पानी को बर्फ में बदलने की शक्ति देगा, जिससे आप किसी भी भाग्यशाली दर्शक को हैरान कर सकते हैं। इस तरह की किट का इस्तेमाल ज्यादातर पाइपों के अंदर बहते हुए पानी को जमा देने के लिए किया जाता है, ताकि आप लंबी पाइप को आसानी से काट सकें, और वे भी खुद को और अपने आसपास की जगह को भिगोए बिना। तो आखिर ये जादुई डिवाइस काम कैसे करती है? खैर ये डिवाइस क्लैंप के एक सेट के साथ आती है, जिसमें तापमान गेज भी लगे होते हैं जो पाइप के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। इन क्लैंप्स के अंदर से तेजी से रेफ्रिजरेंट गैस घूमती है, जो ज्यादातर प्रोपेन गैस होती है, और ये बिल्कुल उसी कोमेलेक्स प्रेशराइज सिस्टम की तरह काम करती है जैसे आपके घर में लगा फ्रीजर करता है। तो क्योंकि इन बर्फ जितने ठंडे क्लैंप्स पर एक हीट कंडक्टिंग पेस्ट की लेयर बनी होती है, इसलिए बर्फ का टेम्परेचर पाइप पर जल्द ही फैलने लगता है।
और पाइप और अंदर का पानी ठंडा होने लगता है और कुछ ही टाइम में पाइप के अंदर का पानी जम जाता है, जिससे एक सॉलिड बर्फ का प्लग बन जाता है जो पाइप को कटने के दौरान पानी को रोकने का काम करता है। और आप पाइप या नल को आसानी से तब तक फिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब तक कि बर्फ वापस पानी में नहीं बदल जाता। वाह, बहुत बढ़िया है ना। सभी के लिए बस एक। वे कहते हैं कि बेकार हाथ शैतान का काम करते हैं, लेकिन हमारा अगला मल्टी टैलेंटेड टूल आपके हाथों को जरूर व्यस्त रखेंगे, क्योंकि ये एक साथ बहुत से DIY काम करता है। इस कार्डलेस मल्टी टूल को जापानी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर रायोबी द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत से DIY वालों के लिए सबसे अच्छी वर्सेटाइल मशीन है। बता दूं कि जब इसके साथ इसकी एक आरी को फिट किया जाता है तो मशीन के तेजी से घूमने वाले सिर का इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के मटेरियल को बिल्कुल सटीकता से काटने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि लकड़ी, ड्राईवॉल या यहाँ तक कि मेटल को भी ऐसे काटती है ये, मानो इसके सामने पनीर का टुकड़ा रखा हो। ये देखिए, इस सेगमेंट आरी को सैंडिंग पैड एक्सेसरीज के लिए भी बदला जा सकता है, जब सरफेस को स्मूथ करने के लिए नॉर्मल सैंडिंग ब्लॉक की तुलना में बहुत कम एल्बो ग्रीस मौजूद होती है। अपने एडजस्टमेंट, अटैचमेंट एंगल्स और एक इनबिल्ट LED लाइट के साथ ये टूल आपके काम करने की जगह के सबसे तंग और अंधेरे कोनों में भी इफेक्टिव रहता है। इसका मतलब है कि अब आप उस घर का निर्माण कर सकते हैं जिसका आप सपना देख रहे थे, जहां अंधेरी की आड़ में किसी लोकल अधिकारियों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये पूरी तरह से फुल प्रूफ है ना। पोर्टा सोल्डर, द सोल्डरिंग आयरन, एक क्रांतिकारी टूल जिसका इस्तेमाल पेशेवरों और शौकीनों द्वारा एक सदी से भी ज्यादा समय से मेटल और सर्किटरी को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये मेटल एलॉय को गर्म और पिघलाकर काम करता है, जिसे सोल्डर कहा जाता है, और ऐसा अक्सर दो कंपोनेंट्स के जोड़ पर किया जाता है। फिर पिघले हुए सोल्डर को ठंडा और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है और एक फिक्स्ड और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बॉन्ड बन जाता है। हालांकि इस टूल को काम करते हुए देखना काफी दिलचस्प है, लेकिन इसे चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि टांका लगाने वाले लोहे को पहले एक आउटलेट में प्लग करने की जरूरत होती है, जिससे टूल की रेंज लिमिटेड हो जाती है। तो इसका क्या हाल है? जी हाँ, पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन 3380, जिसे स्वीडिश मेटल वर्किंग कंपनी सीवर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। लगभग $300 की कीमत के साथ इस सोल्डरिंग आयरन को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिस्पोजेबल कार्टिजेस के साथ प्रोपेन जैसी जलने वाली गैसेस का मिक्सचर इस टूल के हल्के टाइटेनियम हैंडल में फिट हो जाता है। फिर इस गैस को एक अजीब मैकेनिज्म के साथ जलाया जाता है, जिसे पीजो इग्निशन कहते हैं, जिसमें एक इनबिल्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज क्रिस्टल को एक छोटे स्प्रिंग लोडेड हथौड़े से हिट किया जाता है, जिससे हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पैदा होता है जो गैस को जलाता है। इससे निकलने वाली फ्लेम कॉपर बिट को 3800 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान तक गर्म करती है और मशीन लगभग 90 मिनट तक लगातार टांका लगाने का काम कर सकती है। आमतौर पर मेटल शीट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यार, अगर कोई ऐसा मॉडर्न टूल होता जिसे आप मेडिकल काल में वापस ले जा सकते और गारंटी दी जा सकती थी कि आप पर जादू टोने का आरोप लगाया जाएगा, तो ये जादुई क्रिस्टल हथौड़ा फ्लेम वाला टूल टॉप दावेदार होता है ना। मेटल शीयर, हालांकि जब सोल्डरिंग आयरन मेटल को एक साथ जोड़ने में व्यस्त होती हैं, तो उन्हें काटने के लिए दूसरे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेसा और इसे देखना भी उतना ही सेटिस्फाइंग है। ये देखिए, यह 18 गेज सिंगल कट मेटल शीयर है, जिसे अमेरिकी पावर टूल मैन्युफैक्चरर मिलवॉकी द्वारा बनाया गया है, और ये मशीन मेटल को मक्खन की तरह काटती है। एक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी से चलने वाला $329 का ये पावरफुल टूल आसानी से किसी भी मेटल शीट को 1 इंच के 20वें हिस्से में काट सकता है। ये अपना काम एक स्टील ब्लेड वाले हेड को हाई स्पीड पर घुमाकर करता है, जिसके कारण ये हाथ से काटने वाले ब्लेड की तुलना में बहुत ही कम टाइम और एफर्ट के साथ मेटल को टुकड़ों में काट देता है। अपने 360 डिग्री घूमने वाले हेड और वेरिएबल स्पीड ट्रिगर के साथ ये एर्गोनोमिक डिवाइस अच्छा कंट्रोल और सटीकता प्रदान करती है, जिससे सबसे मुश्किल घुमावदार कट लगाने में भी आसानी होती है। लेकिन इसके बारे में मेरी सबसे पसंदीदा चीज मेटल के बिल्कुल परफेक्ट आकार की
कॉयल है जो कि इस्तेमाल करने के दौरान ब्लेड के सिर पर मुड़ जाती है। बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स में लेब्रर वाफेक्स इस तरह के सभी मेटल के कर्ल को क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन के लिए कलेक्ट कर रहा है। ये साल का सबसे कर्लीफुल समय है भाई। नल चालाकी। ढीले नलके से पानी का लगातार टपकना दुनिया की सबसे अनोइंग आवाजों में से एक है, लेकिन इस अगले वाटर वर्कर का धन्यवाद, अब इससे बचने के लिए आपको पूरे टूलबॉक्स को खत्म करने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके सामने एक इजी चेंज फॉसेट रेंज, जिसे अमेरिकी प्लम्बिंग टूल मैन्युफैक्चरर RIDGID द्वारा बनाया गया है। इस शानदार डिवाइस में बहुत से प्लम्बिंग कामों को संभालने के लिए चेंजेबल एल्यूमिनियम इंसर्टर्स की सुविधा है, जैसे नल और सिंक स्ट्रेनर को इंस्टॉल करने से लेकर शट ऑफ वॉल्व को कसने तक। इस टूल का खोखला इंटीरियर इसे माउंटिंग नट्स को कसने के लिए अंडर सिंक पाइप के चारों ओर लिपटने की सुविधा देता है, और इसकी छोटी बॉडी की लंबाई सिर्फ 10.5 इंच होने से इसे तंग स्थानों में फिट होने में मदद मिलती है। ये आपको ऑनलाइन साइट पर मात्र $37 में मिल सकता है, और जाहिर तौर पर कुछ प्लम्बरों को दूसरों की तुलना में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी टूल इस निराश आत्मा की मदद कर सकता है। पॉकेट प्राइबर। अगर आप कभी किसी मैकेनिक के टूल बॉक्स में झांकेंगे तो आप उनके द्वारा संभाले जाने वाले काफी गैजेट्स और टूल्स को देखकर हैरान हो सकते हैं। उनके पास अजीब कॉम्प्लेक्स दिखने वाले आइटम हो सकते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल हथौड़ा जो कि आपके द्वारा लगाई जाने वाली कीलों को पकड़ के रखता है। बहुत बढ़िया, लेकिन सभी इफेक्टिव टूल्स को सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अलग किस्म के रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए सिर्फ एक साधारण से डिवाइस की जरूरत होती है, जैसे कि 4 इंच लंबा ये मल्टी टूल एक प्राइबर के रूप में काम करता है जो क्रेट्स और इसी तरह की वस्तुओं को खोलने के लिए, और एक बोतल ओपनर के रूप में काम करता है जो इसे एक खास चाबी का गुच्छा बनाता है, और किसी टूल बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोडक्ट को 2016 में अमेरिकी एंटरप्रेन्योर ब्रैड ब्लाउन द्वारा बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इन चीजों के कुछ वेरिएंट की कीमत $200 से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जिरकोनियम जैसे मेटल से बने होते हैं जिन्हें प्रोसेस और रिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स आमतौर पर इन मल्टी टूल्स का सस्ता वर्जन बनाते हैं जिनमें स्टील या टाइटेनियम इस्तेमाल होता है, और कुछ मॉडल्स ज्यादा वर्सिटिलिटी के लिए रिच और स्क्रू ड्राइवर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कई वेरिएशंस में चमकदार इंद्रधनुषी रंग भी है। ये एक खास प्रक्रिया से हासिल किया जाता है जिसे एनोडाइजेशन कहा जाता है। इसमें मेटल के सरफेस को इलेक्ट्रिक करंट के अधीन किया जाता है और पानी और बेकिंग सोडा में डुबाया जाता है, जिसके परिणाम में एक रंगीन और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड परत बन जाती है। इसका रंग अप्लाई की गई वोल्टेज के आधार पर वेरी करता है। भाई कौन जानता था कि DIY आंखों के लिए इतना आनंददायक हो सकता है। रूट रिपर। अगर आपने कभी सोचा है कि बागवानी करना बोरिंग है तो यह अगला टूल आपकी उस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ देगा। तो चलिए, पेश है आपके सामने ब्रश ग्रबर एक्सट्रीम। अमेरिकी वीडिंग टूल मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया ये ब्रश ग्रबर $200 की कीमत के साथ कुछ शानदार स्टील और स्प्रिंग लोडेड जबड़े की एक डरावनी जोड़ी को पेश करता है। इसके हर एक यूनिट में 18 नॉन स्लिप दांत लगे हैं जो इस टूल को फालतू की झाड़ियों और छोटे श्रब्स पर पकड़ बनाने में मदद देते हैं। अगर इसे ट्रैक्टर या भारी कार के साथ बांध दिया जाए तो ब्रश ग्रबर एक्सट्रीम आसानी से गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को जड़ से उखाड़ सकता है। ये खास तौर पर बकथॉर्न पेड़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक किस्म का जहरीला वीड होता है जो अनियंत्रित होने पर घनी मात्रा में विकसित हो सकता है। अब ब्रश ग्रबर एक्सट्रीम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। ये इसे काटने के बजाय जड़ों से पकड़कर खींचता है ताकि इस तरह की फालतू चीजें दोबारा ना पैदा हों। हालांकि बागवानों के लिए इस तरह का टूल वाकई में एक सपना है, लेकिन मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि ब्रश ग्रबर एक्सट्रीम की सेना मेरे सपने में ना दिखाई दे, जो मेरे अंगों को जकड़कर मुझे किसी तरह के घास फूस वाली कब्र के जलने वाले गड्ढे में ना फेंक दे। क्या तुम लोगों को ऐसे सपने नहीं आते? हाँ, पावरफुल प्रूनिंग।
तो दोस्तों, रूट रिपेयर से लेकर हेज हैकर्स तक, ऐसा लगता है कि ब्रश ग्रबर एक्सट्रीम एकमात्र ऐसा टूल नहीं है जो बागवानी करने की कठोर प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। हाइड्रोलिक प्रूनिंग सा खतरा दिखने वाला एक और टूल है जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर सटीकता से तंग कोनों पर लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंच हेज ट्रिमिंग कंपनी कूपाइको ने प्रूनिंग सा को अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया जब इसमें कॉस्मोस 200T आर्च्ड प्रूनर जोड़ दिया गया। किसी जानवर जैसी मजबूत भुजा के साथ इस मशीन की लंबाई 10 फीट है और ये मल्टी सॉ ब्लेड अटैचमेंट के साथ 26 फीट से ज्यादा ऊंचे हेजेस को बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ काट सकती है। हालांकि इसे खास तौर पर हरियाली पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन मैं ये कल्पना करने वाला अकेला ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि ये खतरनाक मशीनें अंडरग्राउंड माली के खास बैटबॉल टूर्नामेंट में प्रवेश करेंगी। और अब प्रूनर्स और पिच पोकर्स उस लड़ाई में उतर चुके हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। मेक सम नॉइज गाइज, रबर एक्सट्रीम बनाम सॉब्लेट सुप्रीम। बैकअप रेंच। ये सिंपल सी हरी रंग की डिवाइस दिखने में ज्यादा खास नहीं लग सकती, लेकिन एक छोटे टूल के पावर को कभी भी कम मत समझना। अमेरिकी कंपनी लोकराइट सेफ्टी सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया बैकअप रेंच इंडस्ट्रियल बोल्टिंग के खतरों को काफी कम कर देता है। जब इंडस्ट्रियल कर्मचारी दो इंडस्ट्रियल पाइपों को एक साथ जोड़ रहे होते हैं तो हेक्सागोनल नट को सिर्फ तभी कसा जा सकता है जब फ्लैंज के दूसरी तरफ लगे हुए नटों को घूमने से रोका जाता है। हालांकि ऐसा करने के लिए आम तौर पर हैमर रेंच जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के परिणाम में आम तौर पर लोग उंगलियों पर चोट खाते हैं और यहां तक कि सबसे अनुभवी टेक्नीशियन भी। लेकिन लोकराइट बैकअप रेंच इस प्रॉब्लम को हल करता है क्योंकि ये हैक्स नट के साथ मैग्नेटिकली रूप से जुड़कर उसके साथ लगे बोल्ट को विपरीत नट के खिलाफ दबाव डालता है और मेन नट को अपनी जगह रखता है। ये प्रोसेस वर्कर्स को अपने हाथों को सभी तरह की चोटों से दूर रखता है क्योंकि अब वे नट को दूसरी तरफ कसते हैं। स्टील अलॉय का ये टूल बेहद तंग जगहों में भी फिट हो सकता है क्योंकि कंपनी इसे अलग अलग आकारों में पेश करती है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी चौंकाने वाली है। यहां तक कि इसकी सबसे छोटे वर्जन की कीमत भी $230 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका में कार्यस्थल पर हाथ की चोट की भरपाई की कीमत लगभग $630,000 तक हो सकती है। इसलिए बैकअप रेंच असल में लंबे समय के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा बचा सकता है। भाई, मुझे उतनी रकम पाने के लिए एक या दो उंगलियों को दांव पर लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने पहले ही अपनी सारी उंगलियों का व्यापार पोकेमोन कार्ड के लिए कर दिया है। फिर भी ये इसके लिए तो लाभदायक ही है। बेल आउट बॉस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तक हमने जो टूल्स देखे हैं वे किसी न किसी काम को तेज, आसान या सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन ये अगला टूल वाकई में एक लाइफ सेवर है। ये एक पर्सनल बेल आउट किट है जिसे रेस्क्यू मैन्युफैक्चरर स्केटको ने खास तौर पर लोगों को जलती हुई इमारतों से बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया है। इस किट में 6 इंच लंबे दांतेदार हुक की एक जोड़ी है जो कि एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बने हैं। साथ ही इसमें 65 फीट लंबी टेक्नोरा रस्सी भी शामिल है। टेक्नोरा को एरामिड फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये एक किस्म का सिंथेटिक पॉलीमर है जो अक्सर फायर फाइटर गियर में अपने हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज्यादातर रस्सियां नायलॉन या पॉलिएस्टर से बनी हुई होती हैं, जिनकी मैक्सिमम टेम्परेचर झेलने की क्षमता 320 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, लेकिन टेक्नोरा रस्सियों का इस्तेमाल उस कंडीशन में किया जाता है जब टेम्परेचर 500 डिग्री से भी ज्यादा हो। इसलिए ये स्पष्ट है कि भीषण आग से बचने के लिए ये क्यों फायदेमंद हो सकती है ना? इस पर्सनल बेलआउट किट का इस्तेमाल करने के लिए इसमें लगे हुक को 45 डिग्री एंगल पर खिड़की के निचले कॉर्नर में फंसा दिया जाता है, जिससे अंदर के लोग इमारत के बाहरी हिस्से से सुरक्षित नीचे आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता क्या है? स्केटको की स्थापना असल में वेटरन लड़ाक मेडिक बट कैलकिन द्वारा की गई थी, जिन्होंने अमेरिकी सेना और नेशनल गार्ड के रूम में काम किया था। अब मैं सेना के चिकित्सक से ज्यादा सुरक्षित हाथों के बारे में तो नहीं सोच सकता, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? सभी किस्म का लकड़हारा। तो दोस्तों, एक लकड़हारे की शक्तिशाली स्विंग और डरावनी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि 21वीं सदी के सोफिस्टिकेटेड लॉगिंग टूल का धन्यवाद, लेकिन इन लोगों के पास एक साधारण कुल्हाड़ी से ज्यादा होता है। $2,000 की TR-30AQ फेलिंग वेज है जिसे जर्मन फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉरेस्ट्रेच माशिनेबाउ द्वारा तैयार किया गया है।
इस एल्यूमिनियम TR-30 को एक कॉर्डलेस ड्राइवर से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो गिरने वाले वेज को मेटल के ब्रैकेट के बीच धकेलता है और उन्हें पेड़ों के गहरे ट्रंक में गिरने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वेज का पतला आकार ट्रंक को ऑपरेटर से दूर गिरने में मदद करता है, न कि उनके ऊपर। लेकिन अगर TR-30 हैंडहेल्ड आपके लिए काफी बड़ा नहीं है, तो यहाँ $3,000 का TR-300 भी मौजूद है, जिसे पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसके रेडियो सिग्नल की दूरी 330 फीट तक है। इसके लिए भगवान का शुक्र, ये वाकई में इतना कमाल का है कि पेड़ की चपेट में आने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। पेड़ के तनों को काटने के बाद लकड़हारे आमतौर पर उन्हें एक सा हॉर्स में बदल देते हैं, जो लकड़ी को तख्तों में काटते समय उन्हें हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देता है। हालांकि ज्यादातर सा हॉर्स सिंपल 4 से 6 पैरों वाले प्रेस्टल्स का रूप ले लेते हैं, लेकिन आयरिश वुड वर्किंग मैन्युफैक्चरर टिम्बर क्रोक ने खुद का एक यूनिक वर्जन बनाया। नजदीक से देखने के बाद ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस क्रोक को इसका नाम कैसे मिला। $270 के इस टूल में लेजर कट दांतों की एक पूरी परत बनी हुई है, जो लॉक, तख्तों और यहाँ तक कि बड़े लकड़ी के पट्टियों को पकड़ने के लिए एडजस्ट होती है। हालांकि ये स्टील फ्रेम इतना मजबूत है कि आसानी से 440 पाउंड तक का वजन होल्ड कर सकता है, लेकिन ये टिम्बर क्रोक के सबसे भारी भरकम मॉडल से बहुत दूर है। ये सम्मान $1,500 की इस माउंटी XHD को दिया गया है। जब इसे ट्रैक्टरों के पीछे लगाया जाता है, तो ये आधे टन से भी ज्यादा लकड़ियों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदियों पहले लकड़हारे वाकई में इन मॉडर्न मशीनों से खुश होंगे, लेकिन अगर आप इनसे उतना ही आकर्षक हो रहे हैं, तो क्यों ना आप भी गिरते हुए पेड़ की तरह अपनी उंगलियों को सब्सक्राइब बटन पर गिरा दें। हो सकता है मैं हमेशा शेड में सबसे तेज टूल ना रहूं, लेकिन आपके आनंद के लिए मैं ऐसी ढेर सारी चीजों के बारे में जानता हूं, जिनके बारे में आप शायद पहले भी जानते होंगे। चलो अब वीडियो पर वापस आते हैं। क्रोकोलाइन आमतौर पर फर्श और ईंट बिछाने में इस्तेमाल करके दो रेफरेंस पॉइंट के बीच सीधी रेखाएं खींचते वक्त एक्यूरेसी हासिल करने के लिए स्ट्रिंग लाइन सबसे पुराने और सबसे बुनियादी हैंड टूल्स में से एक है। लेकिन डच स्टार्टअप क्रोकोलिजन, जिसका निर्माण यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने 2019 में किया था, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की लेवलिंग को अगले स्तर पर ले लिया। क्रोकोलाइन के नाम से जाना जाने वाला ये स्मार्ट सेट किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर दो पॉइंट्स के बीच लेवल स्ट्रिंग लाइन खींचने के समय को आधा कर देता है। $16 के इस टूल में एक सिरे पर आधा इंच डायमीटर का एक छेद होता है, जिससे इसे किसी भी ऊंचाई पर आसानी से सेट किया जा सकता है, और दांतों की लाइन और स्लाइडिंग मेटल रोड का इस्तेमाल लाइन को सही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट करने के लिए किया जा सकता है। और वोइला अपनी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का नक्शा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा अगर आप दो क्रोको लाइनों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया छाया कठपुतली बना देते हैं, क्योंकि सबसे मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को समय समय पर थोड़े से मनोरंजन की जरूरत तो पड़ती ही है। पाइप ड्रीम हर एक घर के मालिक के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें कुछ DIY टूल्स लेने और अपने घर को रिनोवेट करने का मन करता है। खैर, घर के उन मालिकों के लिए जो उत्सुक साइकिल चालक भी हैं, मेरे पास उनके सपनों का DIY प्रोजेक्ट है। 2014 में अमेरिकी डिजाइनर ब्रायन ड्वेफलर ने एक साधारण सी PVC पाइप ली और कल्पना की कि ये एक कमाल का सिंपल सा टूल उसकी प्यारी साइकिल को स्टोर करने और डिस्प्ले करने के लिए बेहतर होगा। Etsy पर $123 में मिलने वाली इस पाइप में बाइक को अपनी जगह पर रखने के लिए एक छोटा सा निशान है, लेकिन इसके डिजाइन की सादगी का मतलब है कि आप इसे आसानी से खुद भी बना सकते हैं। हालांकि ज्यादातर पाइप के सपनों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ब्रायन की दिमागी तरंग ये दिखाती है कि सफलता का निर्माण बाइक चलाने जितना आसान हो सकता है। कल्टीवेटर सदियों से दुनिया भर के किसान अपनी फसल की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए कई तरह से फायदेमंद टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज के दिनों में इंडस्ट्रियल फार्मिंग ने अपने टूल्स को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हालांकि इस तरह का विचित्र और डरा देने वाला टूल बेल बॉट्स जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में जमीन के खिलाफ ही युद्ध लड़ता है, या कह सकते हैं कीचड़ के खिलाफ। एग्रीकल्चरल मशीनरी कंपनी रोलमाको द्वारा बनाया गया द U614 सब सॉइलर ट्रैक्टर के पीछे लगाने पर जुताई के लिए एक शानदार मशीन बनती है। जब इसे खेत में खींचा जाता है, तो इसके बड़े घुमावदार स्टील के दांतों की कतारें एक औसत हल की तुलना में 3 गुना ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं।
ये किसी भी तरह की मिट्टी को तोड़कर जमीन के नीचे हवा और पानी के फ्लो को बड़ा कर सकता है, जिससे जड़ वाली सब्जियों की ग्रोथ में काफी सुधार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कमाल की फार्मिंग इनोवेशन हमें भोजन की भारी ग्लोबल मांग को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन मैंने इस तरह की इंडस्ट्रियल टूल्स का सामना करने वाले उन सभी बेचारे अंडरग्राउंड जीवों की हालत की कल्पना करने के लिए एक बग की लाइफ को काफी बार देखा है। छोटी चींटियां, भागो यहां से, भागो भागो। नल टर्बाइन। हालांकि आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका का एक परिवार हर दिन 300 गैलन से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पानी की ज्यादा खपत को अच्छे इस्तेमाल में लाने का भी एक तरीका है। 2015 में ब्रिटिश इंजीनियर जेस्पर पुएस घरेलू पानी के नल के लिए 3D प्रिंट करने वाले टर्बाइन के दिलचस्प डिजाइन के साथ सामने आए। आइडिया यह है कि इसे एक बिजली जनरेटर से जोड़ा जाए, ताकि ये उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन का एक छोटा सा वर्जन बन जाए जो कई सारे डैम्स में लगे होते हैं, जो बहते हुए पानी की एनर्जी को बिजली में ट्रांसफर करता है। टर्बाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, जिसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। एक टिपिकल सेटअप में एक घूमने वाला टर्बाइन जनरेटर के अंदर मौजूद मैग्नेट को घुमाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है और मैग्नेटिक पर लपटी हुई तारों की कॉइल्स में करंट पैदा होता है। फिर इस करंट को इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में भेजा जा सकता है और बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इस अजीब से नल पर लगे टर्बाइन के रोटर का डायमीटर सिर्फ 1 इंच है, इसलिए ये अभी तक ज्यादातर घरेलू चीजों के लिए पर्याप्त बिजली जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन इसकी मदद से एक छोटे टेम्परेचर सेंसर और LED लाइट को पावर दे सकते हैं। साथ ही हीट लेवल के अनुसार इसका इस्तेमाल पानी की धारा को अलग अलग रंगों में रोशन करने या उन इलेक्ट्रिकल कामों को करने में किया जा सकता है जिनमें ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं होती है। निजी तौर पर मैं अपने शावर में ऐसा एक टर्बाइन इंस्टॉल करूंगा और तापमान की कुंडी को आगे पीछे घुमाकर खुद को एक इंसान के पागलपन का आनंद दिलाऊंगा। DJ वॉफेक्स हाउस में साफ हो रहा है। कार्बन की सफाई। अब और पॉकेट साइज प्रो गैजेट्स की बात कर लेते हैं। जरा इस अल्ट्रा डिटेल वाली डिवाइस को देखो, जिसे कार्बन बोस एयर 15 कहा जाता है, जिसे फायर आर्म मेंटेनेंस कंपनी रियल एविड द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये किसी तरह की नेक्स्ट जनरेशन के विजिट स्पिनर जैसा दिखता है, लेकिन इसे असल में अमेरिका की सबसे लोकप्रिय राइफल टाइप AR-15 की सफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस राइफल में एक और प्रॉब्लम है, कुछ तो राउंड फायर करने के बाद कार्बन अवशेषों से ये जाम हो जाती है, जिसे राइफल को जाम होने से बचाने के लिए साफ करना जरूरी है। और यहीं पर कार्बन बॉस मल्टी टूल्स काम आते हैं। 16 अलग अलग स्टील स्क्रेपर्स और एक ब्रॉन्ज ब्रश के साथ ये डिवाइस राइफल के फायर मैकेनिज्म के हर कोने से सारे कार्बन के अवशेषों को हटा देती है। बंदूक की साफ सफाई करने के लिए ये DIY समाधान AR-15 मालिकों के बहुत सारे पैसे बचा सकता है, क्योंकि कार्बन बॉस की कीमत सिर्फ $35 है, जबकि प्रोफेशनल राइफल क्लीनर भी अक्सर एक बार की सफाई के लिए $80 चार्ज करते हैं। हालांकि मेरे पास कोई फायर आर्म तो नहीं है, फिर भी मैं इस शानदार टूल को किसी हाईटेक निंजा स्टार की तरह ही अपने घर के पीछे फेंक कर इसका भरपूर इस्तेमाल करने की कल्पना कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेगा। अगले स्तर की कैंपिंग। आप सोच सकते हैं कि कैंपिंग का मतलब बुनियादी बातों पर वापस जाकर मैच्योर से दोबारा जुड़ना है, लेकिन इसमें से कुछ बुनियादी बातें असल में नेचर के आपके भ्रमण को सचमुच अगले स्तर तक ले जा सकती हैं। ये टैक्टिकल ट्रिकेट सिर्फ 3 इंच लंबे हैं और एक अजीब फिशबोन डिजाइन को सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें आसानी से किसी भी गैप में फिट होने की अनुमति देता है, जो डेकिंग, बार, बेंच और पेड़ की शाखाओं के बीच होते हैं। तो एक टेंट एंकर के रूप में टेंट की कीलों की तरह जमीन में गाड़ने के बजाय उन्हें कैरबिनर और बंजी लूप का इस्तेमाल करके टेंट से जोड़ा जा सकता है, ताकि जमीन के ऊपर छतरियों को सुरक्षित किया जा सके, जिससे आसानी से सफाई से रिट्रीवल की जा सके। ये बेहतरीन टूल्स न सिर्फ आपके कैंप को पिच करने और डिसमेंटल करने में आसान बनाते हैं, बल्कि वे आमतौर पर सस्ते एल्यूमिनियम एलॉय बने होते हैं, जिनकी कीमत $1 से ज्यादा नहीं होती। कौन कहता है कि कैंपिंग का मतलब नीचे जाना और गंदा होना है? ये टेंट एंकर नहीं है, समझ गए ना? लेजर स्लिंगशॉट।
अगर आप भी बचपन में मेरी तरह मुसीबत खड़े करने वाले थे तो आपको छड़ी और इलास्टिक से अपना खुद का गुलेल बनाने की पुरानी यादें याद हो सकती हैं। अफसोस की बात है कि मेरा निशाना कभी भी बार्ट सिम्पसन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा निशाना भी वाकई में अच्छा हो जाता अगर मेरे पास ये अपग्रेड वर्जन होता। हाई पावर स्लिंग शॉट्स इनबिल्ट एडजस्टेबल लेजर टारगेट के साथ आती है, ताकि आप भी चील की तरह सटीकता से किसी दूरी से निशाना लगा सकें। और इतना ही नहीं, ये नेक्स्ट लेवल स्लिंगर्स तो फायर भी काफी फोर्स के साथ करती है, क्योंकि इनमें एक मजबूत पॉलीकार्बोनेट हैंडल और मोटे नॉन स्लिप रबर इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इन्हें अक्सर शिकार करने के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन गुलेलों का इस्तेमाल अलग अलग किस्म के कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे ऊंची शाखाओं से स्टाइलिश तरीके से फल तोड़ना। आप मानो ना मानो, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन रिटेलर्स इन डिवाइस को कम से कम $4 में बेचते हैं, जिसके साथ निशाना लगाने के लिए आपको 500 मिट्टी के गोले भी दिए जाते हैं। ओफ भाई, ये कीचड़ की किसी आपदा जैसा लगता है। अपराधियों, निशाना साधो, इस शहर को भूरे रंग में रंगने का समय आ चुका है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस अद्भुत टूल का टेस्ट खुद करना चाहेंगे? क्या आपके टूल बॉक्स में कोई आपका पसंदीदा टूल है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।